नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना से जुड़ी एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर जयपुर में एक फर्जी लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार किया गया है। महज 23 साल के ये युवक अमर सिंह इतना सातिर था कि आर्मी के संवेदनशील इलाकों में घूमता था, कैंटीन से सामान और शराब की बोतलें खरीद लेता था। उसने आर्मी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कागज भी बना रखे थे। जांच में आरोपी के पास से पुलिस को मिलिट्री शिक्षा अधिकारी, डॉक्टरों की व नोटरी पब्लिक की रबर स्टाम्प व आर्मी का फर्जी आई कार्ड, कैंटीन कार्ड और मिलिट्री की अन्य वर्दी का सामान भी मिला है। आरोपी अमर सिंह 23 वर्ष मूल रूप से बहरोड़ अलवर का रहने वाला है, जिसे मानसरोवर थाना पुलिस ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पहनकर घूमते हुए पकड़ा। दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस को फेसबुक से पता चला कि 23 साल का अमर सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल की फोटो लगाकर सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इसके बाद इंटेलिजेंस ने उसकी डिटेल निकाली तो हैरत में पड़ गई। आरोपी की लोकेशन पिछले एक महीने में चंडीगढ़, आगरा, जयपुर, अंबाला कैंट में मिली। जांच में पता चला कि आरोपी की गर्लफ्रेंड चंडीगढ़ में कांस्टेबल है। आरोपी ने उसे भी खुद को आर्मी अफसर बता रखा है। आरोपी इतना सातिर है कि मानसरोवर में रहने वाले उसके रूममेट को भी यही पता है कि वह आर्मी में एक बड़ा अधिकारी है। फर्जी लेफ्टिनेंट कर्नल अमर सिंह के घर पर पुलिस ने जब दम्बिश दी तो उसके घर में विदेशी शराब की 13 बोतलें, ज्वेलरी, महंगे कपड़े, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी मेडिकल कोर की एक यूनिफॉर्म, पूरे मेडल्स, रिबन व बेंचेज के साथ मिले। फर्जी रबर स्टाम्प्स व उनके द्वारा जारी किए गए फर्जी दस्तावेज, सर्टिफिकेट मिले। आरोपी धनवंती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल में नर्सिंग का छात्र भी है। नर्सिंग इंस्टीट्यूट में भी आरोपी वर्दी पहनकर कई बार जाता था। आरोपी ने आर्मी से 2 साल की स्टडी लीव पर होना बताकर मेडिकल में प्रवेश किया था। आरोपी हाईवे टोल ही नहीं बल्कि आर्मी कैंटीन से भी सामान ले चुका है। आरोपी के घर से मिले दस्तावेजों को मिलिट्री इंटेलिजेंस जांच कर रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस भी हैरान है कि एक 23 साल का युवक कैसे आर्मी के स्मार्ट कार्ड से लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज बना सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है ऐसे लोगों के बारे में, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी भारतीय सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।